दोस्तों राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, PPSSC से दो बड़ी खबरें अभी जस्ट आ रही है, जो बहुत सारे लोग सवेरे से भी कमेंट पूछ रहे थे कि यार लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू आफ्टर कंप्लीटिंग PET ऑफ द पोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंस इन्फोर्समेंट सब ESI का है, जो आपको प्रवर्तन अवर निरीक्षक का शारीरिक दक्षता के उपरांत साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों मतलब अभ्यर्थियों का परीक्षा फल जो कि जारी कर दिया गया। मतलब ये जो है फिजिकल पास कर अभी इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जारी कर। दूसरा क्या है, वनों उन क्षेत्रों के पदाधिकारी के पद पर रिक्तियों के विरुद्ध है, जो कि चिकित्सीय प्रशिक्षण परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल। तो देखते हैं ESI का है, जो कि ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया है और ये आप देख सकते हैं। और ये जो है आपको 2019 की ये वैकेंसी है और 6/12/2020 को 179,723 अभ्यर्थियों द्वारा जो कि PET की परीक्षा दिया गया था। और इसमें जो कि मुख्य परीक्षा है जो कि 9/10/2021 को हुआ था 1493, और शारीरिक दक्षता परीक्षा है जो कि 16/5/2022 को, मतलब जस्ट थोड़ा दिन पहले हुआ था। और इसमें पूरा डाटा दिया हुआ है, कॉल्ड फॉर PET 1493 में लोगों को बुलाया गया था, एबसेंट थे 198, फेल इन वॉकिंग टेस्ट में जो कि 81, फेल इन हाइट में 84, नॉट प्रेजेंट इन चेस्ट में जो कि आपको दो कैटेगरी मिसमैच, 3 लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 1 जेंडर मिसमैच, 1 ये सब चीज़ों से जो कि आप लोग बाहर हुए हैं। 1119 लोग हैं जो कि बाहर हुए हैं। आउट ऑफ लोहार फोर फेल इन मेरिट EBC कैटेगरी परसुएंस गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑर्डर इशू गाइड मेमो नंबर EBC कैटेगरी, तो ये 4 लोग हैं जो कि इन लोगों का जो कि रिजल्ट नहीं आया है। और 1119 अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अलग से सूचना दी जाएगी। चयनित 1149 की जो कि अभ्यर्थियों की सूची है जो कि ये दिया गया है, मतलब इन लोगों का है जो कि चयन किया गया है। और ये लोग जो है मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो लोग फेल किए हैं उन लोगों का 1493 को तो बुलाया गया था, उसमें से जो कि 1119 अभ्यर्थी जो कि चयनित हो गए हैं, अब इनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये आप लोग जो कि रोल नंबर जो लोग सफल हुए हैं उनके लिए एक बेहतरीन, लेकिन अभी भी ये जो कि सफ़र आसान नहीं है क्योंकि सीटों की संख्या कितनी है, 212, सिलेक्शन कितने हैं 1119, तो कहीं ना कहीं है जो कि आपको 711 इसमें मेल है, फीमेल है 408, तो आसान अभी भी नहीं। अभी भी जिनका रोल नंबर ये कन्फर्म नहीं, हाँ जो इंटरव्यू जो होगी शायद 30 नंबर की है, तो उसमें जो कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, उससे संबंधित अगर मुझे मिला इंटरव्यू ESI के इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और अभी भी जो कि लड़ाई है जो कि अभी भी आसान नहीं है क्योंकि इतना क्राइटेरिया जब पूरी हो जाता है तो मानकर चला जाता है, लेकिन आपको आना है अभी भी है जो कि 1/5 में है जो कि आना है, जो आसान नहीं रहेगा। आपके मेंस के मार्क्स कितने हैं और फिर आपके इंटरव्यू के मार्क्स से जो कि जोड़े जाएंगे। तो ये रही एक अपडेट रही कि आपको ESI का फाइनली जो कि इंटरव्यू के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए रिजल्ट है जो कि आ चुका है। अब इसका इंटरव्यू का क्या कोई अपडेट है, तो इसका कोई अपडेट नहीं है कि आपका इंटरव्यू है जो कि साक्षात्कार के लिए अलग से इसको इसमें सूचना दिया जाएगा। अब दूसरा जो अपडेट है उसको देखते हैं क्या है, वन क्षेत्र के पदाधिकारी का है, ये 43 पदों के लिए है और इसका जो है फिजिकल जो है आपको लिखित प्रतियोगिता तो 19/3/2021 को हुआ था और 12/5 इधर ही हुआ था, 327 अभ्यर्थियों का 339 है जो कि बुलाया गया था, 12 एबसेंट थे, ये पूरा डाटा दिया हुआ है आपको। तो 229 लोग हैं जो कि फाइनली ये जो कि सिलेक्ट हुए हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद है जो कि चयनित, मतलब चिकित्सीय परीक्षण अभी, हाँ यहाँ इंटरव्यू नहीं है, चिकित्सीय परीक्षण होगा। 229 अभ्यर्थियों को उनका रोल नंबर दिया हुआ है और इसकी सूचना है जो कि चिकित्सीय परीक्षण की है जो कि बाद में दिया जाएगा। तो ये दो बड़ी अपडेट है जो कि BPSSC से आ रही। CSBC की अब देखते हैं, वो मैंने सवेरे भी बताया था कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं और ये कहाँ पर, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का था तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपडेट आया हुआ, तो ये सवेरे ही पता चल गया था कि आज ये जो कि रिजल्ट आने वाली, तो फॉरेस्ट गार्ड का जो कि अंतिम परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया है और 484 पद थे इसमें, हम देख रहे हैं 484 पद थे उसमें जो कि सेलेक्टेड उम्मीदवार है जो कि इसमें दिया हुआ है, कदाचार लोग कितने लोग हैं, पैदल चाल में असफल कितने हैं, ये सारी संख्या है जो कि शारीरिक जांच में असफल, ये फाइनल रिजल्ट मतलब इनका सिलेक्शन है जो कि हो चुका है और ये इनका रोल नंबर है जो कि दिया हुआ है। और भी अब क्या होगा, ये जो चयनित है कट ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है आपको, कैटेगरी में कितना कितना गया है, टोटल पोस्ट है जो कि 186 जो है, कट ऑफ मार्क्स 325.5
3 दिन, फिर कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, उसी तरह है जो कि कट ऑफ मार्क 304 गया है आपको यहाँ पर, ये है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट। अब उन लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है कि जो बीएसएससी इंटर लेवल में है और जो इसमें से तो किस में जाएँ, तो ये कन्फ्यूजन है बना हुआ। इसके लिए भी मैं अलग से कोशिश करूँगा दोनों में कंपेयर करके कौन सा बेटर है आपकी पोस्ट है। तो अब क्या होगा इसमें, अभ्यर्थियों की अर्हता शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचान होगा। तो पर्यावरण जो कि चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता अर्हता के साथ साथ चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन कराया जाएगा। तो इसमें जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि मांगेगा, तो इसको देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है और सक्षम प्राधिकार द्वारा जो कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो पहले का ही है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, चयनित अभ्यर्थियों का जो कि क्या क्या चीज चाहिए, शैक्षणिक योग्यता साथ साथ चरित्र एवं पूर्ववत्तन सत्यापन है जो कि कराया जाएगा। प्रतिवेदन अयोग्य है जो कि शामिल हो सकते हैं। तो ये है जो कि इस फॉरेस्ट गार्ड का हो गया। फॉरेस्टर का क्या है, फॉरेस्टर का भी है जो कि 200 कुछ पद थे, 236 पद थे, और इसका भी है जो कि आपको कराया गया था 369 अभ्यर्थियों को जो कि 18/4/2022 को कराया गया था, और 85 लोग जो कि अयोग्य घोषित हुए हैं, और इसका भी जो कि रिजल्ट है जो कि जारी किया गया है। और उसी तरह जो कि इसमें भी है जो कि आपको सेम वही पैटर्न होगा, वन संरक्षक वाला में भी अभ्यर्थियों का शैक्षणिक एवं जो कि का योग्यता एवं अर्हता जो कि कहाँ से कराया जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। अब है जो कि वेबसाइट जो है आपको यहाँ देखना पड़ेगा, वहाँ नहीं देखना पड़ेगा आपको। और ये जो है 11/7/2022 से यहाँ पर लिखा हुआ प्रधान योगदान करना पड़ेगा, योगदान की तिथि भी है जो कि आपको दिया हुआ है 11/7/2008। और नहीं योगदान करेंगे तो आपकी उम्मीदवारी है जो कि रद्द कर दिया जाएगा। तो इसमें है जो कि ये डेट लिखा हुआ, इतनी चीज़ें जो कि आपको होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा अगर 3 वर्ष की सेवा में EWS का है, फ्रीडम फाइटर का है, क्रीमी लेयर का है, तो ये सब है जो कि आपको निर्गत की यहाँ पर है जो कि आपको ये सब चीज़ लेके जाना है। उसी तरह फॉरेस्ट गार्ड का भी देख लेते हैं, इसका तिथि क्या कब से कब तक है, क्योंकि तो इसमें तिथि दिया हुआ है। इसका भी 11/7/2010 तक है जो कि इसके बीच में आपको जो कि योगदान करना होगा। उसके बाद RRB का जो नोटिस आया है, ये आपको 17 अगस्त से जो कि आपको परीक्षा होगी, और ग्रुप डी की इसका भी बहुत सालों से जो कि इंतज़ार चल रहा था, और लेवल 1 का ये पोस्ट है, और ये आज ही का है जो कि नोटिस है। कंप्यूटर बेस्ड है जो कि एग्ज़ाम होगा, और ये 17 अगस्त से जो कि शुरू हो रहा है, तो ये अच्छी खबर है। तो इसी के साथ धन्यवाद।